ए साइलेंट वॉइस मूवी, कमाल की मूवी जिंदगी की उन बातों को हमारे सामने रखती है जिन्हें हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं। खैर, मूवी शुरू होती है जहां हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने घर के सामान को बेच रहा होता है। इसके बाद वह अपने बैंक खाते से भी सभी पैसों को निकाल लेता है और अपनी सोई हुई माँ के तकिए के पास रखकर एक ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने के लिए चला जाता है, लेकिन वहां पर कुछ पटाखे चलते हैं जिसकी वजह से वह रुक जाता है। इस लड़के का नाम शोया आशीदा है। इसके बाद सीन करंट से शिफ्ट होकर आशीदा के स्कूल में चला जाता है जहां अभी वह बहुत छोटा है, और तभी यहां पर एक नई स्टूडेंट आती है जिसका नाम शोंको नाशिमिया होता है। नाशिमिया ठीक से ना तो सुन पाती थी ना ही ठीक से बोल पाती थी, इसीलिए वह एक नोटबुक के जरिए अपने आप को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करवाती है। वह सभी को अपनी तकलीफ बताती है और कहती है कि वह इस नोटबुक के जरिए आप सभी से बात करेगी। इसके बाद नाशिमिया जिससे भी बात करती उससे लिखकर बात करती। दरअसल नाशिमिया सभी को अपना दोस्त बनाना चाहती थी, इसीलिए वह सबसे बात करने की कोशिश करती है, मगर कोई भी लड़की से उसे अपना पक्का दोस्त बनाने को तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि जब एक दिन नाशिमिया एक पार्क में गई जहाँ कुछ लड़कियाँ पहले से ही मौजूद थी, मगर वह लड़कियाँ उसे देखकर वहाँ से चली गई। इसके बाद वहाँ पर आशीदा आता है, वह भी नाशिमिया से कहता है, अब हम तुम्हारी नोटबुक वाली बात से बिल्कुल पक चुके हैं, लेकिन यहाँ पर नाशिमिया आगे से साइन लैंग्वेज के जरिए कहती है कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, लेकिन इसके जवाब में आशीदा उस पर मिट्टी फेंक कर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन उनकी क्लास में एक टीचर आती है जो कि सभी को साइन लैंग्वेज सीखने के बारे में कहती है, क्योंकि नाशिमिया के लिए साइन लैंग्वेज में बात करना आसान था बजाय किसी नोटबुक या जुबान से बात करने के मुकाबले। लेकिन तभी एक ओइनो नामक लड़की इसे सीखने से इनकार कर देती है। लेकिन उसी क्लास में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सहरा। वह इस बात के लिए मान जाती है। यहाँ पर नाशिमिया को एक दोस्त मिल चुका था और वह साइन लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड भी था, लेकिन अगले ही दिन नाशिमिया की दोस्त यानी कि सहरा स्कूल नहीं आती, यानी कि अब फिर दोबारा से नाशिमिया अकेली पड़ जाती है। इसके बाद आशीदा और उसकी क्लास के कुछ दोस्त नाशिमिया को बहुत परेशान करते हैं। वो उसके हेयरिंग एड्स को उसके कानों से निकाल कर कचरे में फेंक देते हैं। तभी आशीदा उसके कानों के पास से जाकर जोर से चिल्लाता है, और कभी उसको वाइपर से परेशान किया जा रहा था और कभी वे उसके ऊपर पानी भी फेंक रहे थे, लेकिन एक दिन तो कुछ ज्यादा ही हद पार हो गई। वह उसके कानों में दोबारा से उसके नए वाले हेयरिंग एड्स को निकालता है जिस वजह से नाशिमिया के कान से खून भी निकलने लगता है। लेकिन उसी दिन नाशिमिया जब आशीदा अपने घर जा रहा था तो उसका रास्ता रोककर उसे अपनी नोटबुक में लिखकर सॉरी बोलती है और साइन लैंग्वेज में कहती है, क्या तुम और मैं दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद आशीदा गुस्से में आ जाता है और उसकी नोटबुक को पानी में फेंक देता है, लेकिन नाशिमिया उस नोटबुक को पानी से फिर से दोबारा उठा लेती है। इसके बाद अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल इनकी क्लास में आते हैं और वे कहते हैं कि नाशिमिया के घर वालों ने शिकायत की है कि क्लास के कुछ शरारती बच्चे उसे काफी ज्यादा तंग कर रहे हैं। इसके बाद आशीदा का क्लास टीचर उसे खड़ा होने के लिए बोलता है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह काम आशीदा का ही है। हालांकि वह उसके बाकी दोस्तों को भी एक एक कर खड़ा करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल से बचने के लिए सभी दोस्त आशीदा का ही नाम लगा देते हैं। अब हम आशीदा को पानी से भरे हुए एक तालाब में देखते हैं जिसमें आशीदा ने नाशिमिया से उसकी बुक छीनकर फेंक दी थी। दरअसल उसे वहां पर नाशिमिया की वह बुक भी मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आशीदा को उसके दोस्त अब उसी तरह से परेशान करने लगे जिस तरह से वह नाशिमिया के साथ करता था। सारे दोस्त उससे दूर ही हो जाते, वह सब उसे परेशान करने लगते। यहाँ से सीन अब शिफ्ट होता है और टीचर सभी बच्चों को बता रहे हैं कि नाशिमिया का ट्रांसफर अब दूसरे स्कूल में हो चुका है। दोस्तों इसके बाद हमें फिर से वर्तमान का समय दिखाया जाता है और हमें आशीदा की पिछली कहानी से यह पता चलता है कि आखिर वह इस ब्रिज से क्यों कूदने वाला था, आखिर क्यों वह अपनी जान देना चाहता था। उसने नाशिमिया के साथ जो जो करा उसका पछतावा उसे हो रहा था। इसके साथ साथ उसे अपने दोस्त भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वह मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़े नहीं हुए, अपने कदमों को उन्होंने पीछे कर लिया। अब हम देखते हैं आशीदा साइन लैंग्वेज की क्लास लेने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर नाशिमिया आ जाती है। वह आशीदा को देखकर वहां से भागने लगती है, मगर एक जगह पर जाकर वह दोनों मिल ही जाते हैं
अगले सुबह जब ऐशीदा सुबह का नाश्ता करने के लिए जाता है तो उसकी मॉम उसे जोर जोर से चिल्लाती है। दरअसल उन्हें अभी ये पता चल चुका था कि ऐशीदा ने अपने कमरे का पूरा सामान बेच दिया, वह सुसाइड करने वाला था। हालांकि यहाँ पर तो ऐशीदा अपनी माँ से सॉरी कह देता है, लेकिन उसे बचपन की गलती का अभी भी पछतावा था, इसीलिए वह किसी को भी नहीं बुलाता था। यहाँ तक कि वह अपने स्कूल में एक भी बच्चे से बात नहीं करता था। और इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे स्कूल के सभी बच्चों के चेहरे पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। उसी दोपहर को जब ऐशीदा एक पार में बैठकर लंच कर रहा होता है तो वह यही सोच रहा होता है कि आखिर वह नशीमिया से कैसे मिले। साथ ही साथ वह यह भी सोच रहा होता है कि उसके साथ बैठा लड़का आखिर कौन है, उसने पहले भी शायद इसे देखा है। लेकिन इसके बाद फिर हमें उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वही लड़का जिसका नाम नाक्टासुको होता है उसे एक लड़का परेशान कर रहा होता है, इसी वजह से वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब यहां तो ऐशीदा उसकी मदद करता है। दरअसल नाक्टासुको को परेशान कर रहा जो लड़का उसकी साइकिल चाहता था, लेकिन ऐशीदा ने अपनी साइकिल उस शरारती लड़के को देकर सभी मामला शांत कर दिया। इसके बाद ऐशीदा अपने घर जा रहा था, लेकिन उसे रास्ते में नाक्टासुको मिल जाता है जो उसे उसकी साइकिल वापस देने आया था जो कि उसे एक खेत में से मिली थी, और वह कहता है कि मैं बस तुम्हारी साइकिल देने आया हूँ। और इसी के साथ ही हम देख पाते हैं कि नाक्टासुको के चेहरे पर वह क्रॉस का निशान हट चुका है जो कि ऐशीदा जिसे नहीं बुलाता था उसके चेहरे पर बना होता था। चेहरे से क्रॉस का निशान हटा तो समझो वो उसका पक्का दोस्त बन चुका है। अगले दिन फिर ऐशीदा नशीमिया से मिलने जाता है, मगर यूजरू नामक एक लड़का अपने आप को नशीमिया का बॉयफ्रेंड बताकर ऐशीदा को अंदर नहीं आने देता और नशीमिया से बात भी करने नहीं देता। ये देख ऐशीदा के दोस्त यानी कि नाक्टासुको को गुस्सा आता है और वह उस लड़के से लड़ने लगता है। इस झगड़े में अचानक से नशीमिया का ध्यान ऐशीदा की तरफ आ जाता है, लेकिन ये देख ऐशीदा वहां से भाग जाता है, लेकिन नशीमिया उसका पीछा करती है। फिर दोनों अंत में एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। इन दोनों को ही नाक्टासुको और यूजरो एक कैमरे के जरिए देख रहे थे। नशीमिया के हाथ में एक नोटबुक होती है, नोटबुक किसी कारण पानी के अंदर गिर जाती है और जिसे निकालने के लिए नशीमिया पानी में कूद जाती है। उसी के पीछे पीछे ऐशीदा भी नीचे पानी में कूद जाता है। हालांकि दोनों ही जल्दी पानी से बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ पर नशीमिया अपनी नोटबुक को पाकर बहुत खुश होती है और साइन लैंग्वेज में ऐशीदा को कहती है हम फिर दोबारा से मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐशीदा के स्कूल वाले उसे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देते हैं। वजह थी तालाब में कूदना, किसी को भी वहां पर कूदना अलाउड नहीं था, जिसमें ऐशीदा ने जंप लगा दिया था। और ये बात उस स्कूल वालों को यूजरू ने बताई थी क्योंकि उसने उसकी ये तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद ऐशीदा को एक पार्क में यूजरू दिखाई देता है और यहाँ पर यूजरू ऐशीदा को एकदम सच बता देता है कि उसी ने उसकी सारी तस्वीरें इंटरनेट पर पोस्ट की। इसके बाद रात होती है। रात को ऐशीदा यूजरों को छोड़ने के लिए उसके घर के पास जाता है। यहाँ पर यूजरों उसे साइन लैंग्वेज में बताता है कि वह एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। ये देखने के बाद ऐशीदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अब तक वह जिसे लड़का समझ रहा था वह लड़की है। अगले दिन यूजरो ऐशीदा से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर ऐशीदा का दोस्त भी होता है, वह यूजरो को अभी भी लड़का समझ रहा था और उसके कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह एक लड़का नहीं लड़की है तो वह वहाँ से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद अगले दिन का सीन आता है और हम देखते हैं कि वे चारों इकट्ठा होकर ब्रिज पर वापस आते हैं। यहाँ पर नशीमिया अपने मन की बात बताती है, वह अपनी बचपन की सहेली सारा से मिलना चाहती है। जी हाँ, वही सारा जो स्कूल में अचानक से गायब हो गई थी, स्कूल आना अचानक से उसने बंद कर दिया था। अब वह दोनों एक ट्रेन से अब सारा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर नशीमिया ऐशीदा के फोन पर एक थैंक यू मैसेज भेजती है। इसके बाद वो सारा के रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, वहां पर उन्हें सारा मिल जाती है। वह दोनों आपस में बात करती हैं, लेकिन ऐशीदा वहां से उठकर चला जाता है। उसके बाद उसे उसकी स्कूल की दोस्त उनियो मिलती है जिसे अब उसने बुलाना छोड़ दिया था। दरअसल उनियो एक मियाऊ क्लब का कूपन बांट रही थी। ऐशीदा शाम को मियाऊ क्लब जाता है, लेकिन वहां पर उसे देखकर उनियो छिप जाती और उसे बिल्कुल बात नहीं करती। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह नशीमिया दिखाई जाती है जो कि स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, वह भी एक पोनी के साथ, मतलब आज उसका हेयर स्टाइल अलग था। वह ऐशीदा से मिलने के लिए जाती है। दरअसल अब वह उसे पसंद करने लगी थी।
और ये बात वह अशीदा को बताने लगती है, मगर अपनी पतली सी आवाज से वह उसे नहीं बोल पाती। हालांकि अशीमिया बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन उसके मुंह से थोड़ी थोड़ी आवाज निकलती थी, लेकिन इस आवाज को अशीदा अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से नशीमिया काफी ज्यादा नाराज हो जाती। इसके बाद अशीदा स्कूल जाता, वहां उसे मशीबा नाम का लड़का मिलता, जिससे वे अपना दोस्त बना लेता। दरअसल मशीबा खुद ही अशीदा से दोस्ती करना चाहता था। अब इसके बाद अशीदा के फिर से इतने ज्यादा दोस्त बन चुके थे, इसीलिए वे सभी को एम्यूजमेंट पार्क में घुमाने के लिए ले जाते हैं। सभी बहुत इंजॉय करते हैं, और खासकर अशीदा, जो कि पूरा वक्त बस अकेला ही रहता था, लेकिन अब उसके बहुत ज्यादा दोस्त बन चुके थे, सभी उसके साथ थे, इसीलिए वह भी खूब इंजॉय करता है। लेकिन बचपन में भी और आज भी ओनियो अपनी दोस्ती टूटने की वजह सिर्फ और सिर्फ नशीमिया को ही मानती थी। इसी वजह से वह गुस्से में उसे एक बड़े से झूले में ले जाती, लेकिन इस दौरान नशीमिया की बहन अपना कैमरा उसे पकड़ा देती और उसकी रिकॉर्डिंग चालू कर देती, लेकिन इस बात से ओनियो और खुद नशीमिया भी अनजान थी। इसके बाद सीन अगले दिन का शिफ्ट होता है। यहाँ पर यूजरो अशीदा को एक वीडियो फुटेज दिखाने आती है, जिसमें ओनियो नशीमिया को बहुत बुरा भला कह रही थी और वे अपनी दोस्ती टूटने की वजह सिर्फ और सिर्फ उससे ही मान रही थी, और जिस वजह से नशीमिया को काफी ज्यादा बुरा फील होता है, और वह कहती है कि जो भी हुआ तुम्हारे कारण ही हुआ। यहां तक कि वह नशीमिया को मारती भी है। इसके बाद एक दिन अशीदा एक ब्रिज पर नशीमिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन नशीमिया अपने ग्रैंडपा की डेथ के कारण उस दिन वहां पर नहीं आती। लेकिन अगले दिन अशीदा नशीमिया का माइंड फ्रेश करने के लिए उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता है, लेकिन इसके बाद वह दोनों बहनें अशीदा को अपने घर अपनी माँ की बर्थडे पार्टी पर बुला लेती हैं, जहाँ वह केक खाते हैं। यहाँ पर वह प्लान बनाते हैं कि अगले हफ्ते वह सभी आतिशबाजी देखने के लिए जाएंगे। इसके बाद पूरे एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अशीदा और नशीमिया बैठे हुए होते हैं। नशीमिया की माँ और उसकी बहन खाना लेने के लिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ही समय बात करने के बाद नशीमिया अशीदा को बाय बाय कहकर वापस से अपने घर चली आती है। अशीदा नशीमिया को कहता है क्या वह भी उसके साथ चले, लेकिन नशीमिया उसके लिए ना कर देती है। अब अशीदा उसकी माँ और उसकी छोटी बहन को बताता है कि नशीमिया अब घर जा चुकी है। तब नशीमिया की छोटी बहन यूजरो अशीदा को कहती है कि वह अपना कैमरा तो घर पर ही भूल गई, उसे ये नज़ारा अपने कैमरे में फिल्माना था। इस वजह से वह तुरंत ही अशीदा को अपना कैमरा लेने के लिए वापस अपने घर भेज देती है। लेकिन जब अशीदा अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वह देखता है कि नशीमिया बालकनी की दीवार के ऊपर खड़ी है। इसी वजह से फौरन अशीदा वहां से दौड़ता है, लेकिन तब तक नशीमिया वहां से नीचे छलांग लगा चुकी थी। लेकिन किसी न किसी तरह अशीदा नशीमिया की बाजू पकड़ लेता है, उसको ऊपर खींचने की कोशिश करता है, और तो और वह उसे बचा भी लेता है, मगर वह उसे ऊपर खींचते खींचते खुद ही नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से अशीदा की जान तो बच जाती है, लेकिन वह कोमा में चला जाता है। एक तरफ वह हॉस्पिटल में था, दूसरी तरफ ओनियो नशीमिया को मार रही थी, क्योंकि वह अशीदा की इस हालत का जिम्मेदार उसी को मान रही थी। इसके अलावा जब नशीमिया हॉस्पिटल में अशीदा से मिलने के लिए जाती है, तो ओनियो उसे वहां पर भी अशीदा के पास नहीं जाने देती, लेकिन तभी वहां पर नागटासु को आ जाता है, और नशीमिया उसे अपनी नोटबुक पर लिख कर बताती है कि वह उन सभी चीज़ों को अब ठीक करना चाहती है जो स्कूल में उसने बिगाड़ी थी, यानी कि वह सभी को एक साथ फिर से दोबारा मिला चाहती है। इसी वजह से वे सभी के पास जाती है। बाकी लोग तो मान जाते हैं, लेकिन ओनियो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद रात होती है। रात में नशीमिया को एक सपना आता है, उसमें अशीदा उसे गुड बाय कह रहा है। इसके बाद नशीमिया का सपना टूट जाता है और वह एकदम से नींद से उठ जाती है, और वह भागते भागते ब्रिज पर पहुंचती है, जहां पर अशीदा नहीं होता। ब्रिज को पूरा खाली देखकर वह एकदम से घबरा जाती है। दूसरी तरफ यहां पर अशीदा भी अब कोमा से बाहर आ जाता है, और वह अपनी आंखें खोलते ही यह महसूस करता है कि नशीमिया उसे आवाज लगा रही है। इसी वजह से वह अपने शरीर पर लगी हुई सभी पाइप्स को हटा देता है और धीरे धीरे भागता हुआ ब्रिज तक पहुंच जाता है। यहां पर वह दोनों एक साथ मिल जाते हैं।
अब यहाँ पर फिर से नशीमिया माफी मांगती है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि अब तक जो भी हुआ सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर अशीदा भी सोचता है कि जैसे उसने इतनी बार अपने बचपन में नशीमिया को तंग किया, उसने तो उसे एक बार भी सॉरी नहीं मांगी। लेकिन अब यहाँ पर वैस बात को रियलाइज करता है और सॉरी मांग लेता है। अशीदा यहाँ पर नशीमिया को ये भी समझाने की कोशिश करता है कि तुमने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। हमारी जिंदगी में बहुत मुसीबतें आती हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उन मुसीबतों से तंग आकर या फिर उनसे यूं कहूं कि हार मानकर हम कोई गलत रास्ता चुन ले। इसके बाद अशीदा की माँ उसके ठीक होने पर उसे वापस अपने घर ले आती है, और वहीं अब युजरो भी उनके घर आती है और अशीदा को कहती है स्कूल में एक फेस्टिवल मनाया जाएगा, तुम्हें भी वहाँ पर आना पड़ेगा। अगले दिन अशीदा फेस्टिवल में जाता है, लेकिन अभी भी उसकी वही प्रॉब्लम उसके साथ होती है। वह सभी से नजरें मिलाने, किसी दूसरे की बात सुनने से डर रहा था, लेकिन अशीदा से उसके बचपन के सभी दोस्त मिलते हैं। वह सभी उसे ये महसूस कराते हैं कि वह अकेला नहीं है, बल्कि वह सभी एक साथ हैं। अब अले जैसे ही हालात हो जाएं, वह एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी हौसले के साथ अशीदा फेस्टिवल में शामिल होता है। अब यहाँ पर वह देखता है कि फाइनली अब उसकी फैमिली भी उसके साथ है, उसके बचपन के दोस्त भी उसके साथ है, और वह सभी एक साथ ही है। इसी के साथ सभी के चेहरे पर क्रॉस का निशान भी हट जाता है, मतलब कि वह सभी एक दूसरों की नजरों में बिल्कुल सही थे। खुलकर बात करेंगे आगे से वो। अब उसे एक आम व्यक्ति जैसी फीलिंग आ रही थी, ना कि इंट्रोवर्ट शाय और टूटा हुआ इंसान की जो फीलिंग उसे पहले आ रही थी वो उसके अंदर से गायब थी। इसी के साथ यह रोमांटिक ड्रामा पिक्चर एनिमी ए साइलेंट वॉइस खत्म हो जाती है। तो खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम सभी के अंदर एक ऐसा इंसान होता है जो कि अशीदा की तरह ही जिंदगी जीता है, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।